असली विराट कोहली कौन है? वो बैटर जो 20 बॉल 20 रन बनाता है, या वो बैटर जो 50 बॉल में 94 रन बनाता है? हु इज द रियल वन? मैं आपको बताऊंगी. मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर. आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल का नया सीरीज पिच इट अप. डोंट फॉरगेट द हैशटैग, जहां पे मैं शेयर करूंगी मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस आपके साथ. Oops. हैदराबाद में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के फर्स्ट T20 में हमने दो अलग विराट कोहली देखे. अभी तक हम विराट कोहली को देखते आ रहे हैं तो बहुत ही मच्योर हो गए हैं, काफी हद तक काम रहते हैं, इमोशंस पे काबू रखा है उन्होंने. मगर हैदराबाद में हमने वो पुराना वाला विराट देखा, दिल्ली वाला लड़का देखा, ना कि इंडियन टीम का कप्तान, एक ऐसा प्लेयर जो बस जीतना चाहता है, ना कि एक ऐसा प्लेयर जो जीतने के साथ ही क्रिकेट सुधारने की भी सोच रखता है. सवाल ये है कि इंडियन T20 टीम को कौन से विराट की जरूरत है? एंड इफ यू आस्क मी, ब्रिंग ऑन द बैड बॉय. फर्स्ट T20 में हमने देखा कि विराट कोहली शुरुआत से ही एक ज्यादा अग्रेसिव गेम खेल रहे थे. उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में कहा कि वो ही वॉज ट्राइंग टू हिट द बॉल टू हार्ड. पर फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि ये गेम सूट नहीं हो रहा है, मिडिल नहीं हो रहा है. तो अराउंड 20-25 बॉल के बाद फिर नॉर्मल वाले विराट कोहली जो अपना शेप रख के खेलते हैं, टाइमिंग पे ज्यादा रिलाय करते हैं, फोर्स पे ज्यादा रिलाय करते हैं, ना कि सिक्सेस पे, उस विराट कोहली पे वापस गए. पर इफ यू आस्क मी, आई'ड लाइक टू सी मोर इनिंग्स जहां पे शुरुआत में थोड़ा सा मिस टाइम हुआ है ना तो भी चलेगा, मगर वो अटैकिंग इंटेंट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन T20 टीम ना थोड़ी सी पीछे रह जा रही है. अब सामने के वेस्ट इंडीज की टीम को देखो, सेकेंड T20 आए में 170 का टोटल आसानी से चेस किया, 8 विकेट्स इन हैंड, 19वें ओवर में उन्होंने गेम खत्म किया बिल्कुल. जी हाँ, वो चेस कर रहे थे, मगर उनको पता है इवन बैटिंग फर्स्ट कि उनकी बैटिंग लिमिटेशन या अपर लिमिट क्या है. वो 200 के हिसाब से खेलते हैं. और अगर इंडियन टीम को इन सिचुएशंस, स्पेशली जब वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे बैटिंग कंडीशंस में 200 प्लस बनाने हैं, तो ना विराट कोहली को उनका गेम थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, या फिर इंडियन टीम को अपनी बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे जो हम अभी तक देख रहे हैं. अगर विराट कोहली अपना स्लो एंड स्टडी गेम खेलते हैं और बाद में एक्सेलरेट करने का गेम खेलते हैं, तो उनके आजू बाजू के प्लेयर्स ना आपको उस हिसाब से चूज करने पड़ेंगे जो पावर प्लेयर्स हैं, जो बॉल 1 से 150 to 150 प्लस का स्ट्राइक रेट टारगेट करते हैं. एंड आई लाइक द फैक्ट दैट KL राहुल इस टीम में है अहेड ऑफ शिखर धवन. मेरे हिसाब से T20s में राहुल को रेगुलरली खेलना चाहिए. और दूसरा लाइक इज फॉर शिवम दुबे का प्रमोशन, 3 नंबर पे उनको भेज के आई थिंक इंडियन टीम ने ये सोच दिखाई है कि पावर हिटर्स पे उनको ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा. और यही शिवम दुबे ने वो भरोसा उन्होंने वो निभाया. उन्होंने ये दिखाया कि जब हिटर्स को आप चांस देते हो तो क्या हो सकता है. सो सम क्वेश्चंस फॉर द इंडियन टीम. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या विराट कोहली ने उनका गेम खेलना चाहिए. हम कोहली वर्सेस कोहली का बैटल देख रहे हैं. पुराना वाला कोहली चाहिए आपको, या एक नया विराट कोहली, या पूरी इंडियन टीम ने अपनी सोच बदलनी चाहिए? क्योंकि देखो ज़रा, इंडियन टीम ODI और T20 टीम में ना ज़्यादा फर्क नहीं है, और माइंडसेट में भी ज़्यादा फर्क नहीं है. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है. और इस पिच इट अप वीडियो को शेयर करो. अगले ट्यूसडे को नेक्स्ट वीडियो आएगा, सैटरडे को ट्यूटोरियल वीडियो आएगा. सो क्रिकेट विद स्नेहल को सब्सक्राइब जरूर करना. इंस्टाग्राम पे मैं वंस अ वीक लाइव भी जाती हूँ, तो वहाँ पे हम इस बारे में और चर्चा कर सकते हो. वहाँ फॉलो करो और अगली बार मिलते हैं. बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर क्रिकेट.